मजबूरी है ये बताना, मुहर्रम के दिन, मुहर्रम के दिन हमारे अपने लोग, हमारे अपने लोग ढोल बजाते सवाब समझकर, सवाब समझकर ढोल बजा रहे, सवाब समझकर। खुदा के बंदे कुछ तो शर्म कर ले, हमारे खिलाफ क्या साजिशें की जा रही है। जरूरत इस बात की है कि हर मुसलमान ये महसूस करे, हर मुसलमान ये महसूस करे। हमने तो ये इरादा किया है कि इंशाल्लाह अपनी माँ और बहनों के लिए शहर के हर इलाके में इंशाल्लाह इज्तिमे का इंतजाम करेंगे, शहर के हर इलाके में। और बाज़ाब्ता औरतों के जितने भी मसाइल हैं वो सारे मसाइल उनके सामने बयान किए जाएं, इसलिए कि हमारे पास हमारी माँ और बहनों को दीन सिखाने का कोई दूसरा जरिया नहीं है, कोई दूसरा जरिया नहीं है। मर्द तो आलिमों के पास चले जाते हैं, मस्जिद में चले जाते हैं, मीलाद में चले जाते हैं, महफिल में चले जाते हैं, मगर हमारी बहन और बेटियों के लिए दीन सिखाने का कोई इंतजाम नहीं है। इसलिए जिम्मेदारी है मेरी भी आपकी भी कि हम में से हर शख्स जाग जाए, बेदार हो जाए और वो ये महसूस करे बहैसियत मुस्लिम पूरे शहर को नहीं तो कम से कम अपने मोहल्ले के अंदर तो दीन का कुछ तो काम कर सकता हूँ, कुछ तो मेरी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी मुहर्रम में ढोल बजाना नहीं। और अगर आप आज से कसम खा लें इस बात की कि एक दो महीने के बाद मुहर्रम आने वाला है, ना हमारे मोहल्ले में हम ढोल बजाएंगे इमाम हुसैन की शहादत के दिन और नई ढोल बजने देंगे, तो मुझे यकीन है ये मिशन इंशाअल्लाह जरूर कामयाब होगा। यहाँ पर नौजवान इस तरह के हैं कोई यहाँ पर इस तरह का कि हमारे नौजवान ये मुहिम बनाए इस पूरे इलाके में, पूरे शहर को बेहतर नहीं बना सकते, एक मोहल्ले की जिम्मेदारी तो कबूल करो आप। माहौल ऐसे नहीं बदलेगा। आप कह रहे हो दूसरे लोग इस्लाम की छवि बिगाड़ रहे हैं, इस्लाम का नाम बदनाम कर रहे हैं। गैर लोग तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, खुद हमारी कौम मुस्लिम का इस्लाम के ऊपर दाग लगाने की कोशिश नहीं कर रही है। यही इस्लाम, ये नाचना, ये गाना, ये शोर शराबे, ये हंगामे। आपको हैरत होगी, शहर भीलवाड़ा की बात बता रहा हूँ, मुहर्रम के दिन ढोल पीटने वाले लोग शराब पीकर आते थे। भीलवाड़ा की बात बता रहा हूँ आपको, मुझे अच्छा नहीं लगता ये सब बातें माइक पर करते हुए, लेकिन अफसोस मजबूरी है, मजबूरी है ये बताना। मुहर्रम के दिन, मुहर्रम के दिन हमारे अपने लोग, हमारे अपने लोग ढोल बजाते सवाब समझकर, सवाब समझकर ढोल बजा रहे, सवाब समझकर। खुदा के बंदे कुछ तो शर्म कर ले, खातून ने जन्नत के शहजादों ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए पूरे खानदान को करबला की सरजमीन पर शहीद करा दिया, क्या तुम्हारे इसी काम के लिए कि तुम ताशे और ढोल बजा के जश्न मनाओ, इस काम के लिए नहीं। बाज़ाब्ता शराब पी के आ रहे ढोल बजाने वाले, इतना धुत हैं, इतना मस्त हो जाते हैं, असर का वक्त हो जाता है, ये ताज़िए उठने लग जाते हैं और हाल ये मस्जिद में अजान हो रही होती है, दूसरी तरफ रोड पर ढोल बज रहा है। अजान मस्जिद में, असर की अजान, मगरिब की अजान, ये मैंने सुना नहीं है, मैं भीलवाड़ा शहर में देख रहा हूँ, पिछले साल मुहर्रम में देखा।